दोस्तों, कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए विकास को एक गेम बनाने का आइडिया आता है और वह सिर्फ 3 महीनों के अंदर एगी बॉय नाम का गेम डेवलप कर देते हैं, जिसे गेम ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिलता है। आगे चलकर इसी विकास ने लूडो किंग जैसा गेम बनाया, जो कि आज इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो चुका है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं थिंक इट लार्ज। लूडो किंग और विकास जायसवाल की कहानी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल थिंक इट लार्ज को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कैरम, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे गेम्स तो हम सब ने खेले ही होंगे, लेकिन आज मोबाइल और लैपटॉप जैसे गैजेट्स ने हमारे गेम खेलने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। फुटबॉल और क्रिकेट जैसे आउटडोर गेम की बात करें, या फिर कैरम और चेस जैसे इंडोर गेम्स की, बच्चों से लेकर बड़े सभी को गेम्स खेलना पसंद होता है। और ऐसा ही जीवन था लूडो किंग के डेवलपर विकास जायसवाल का। दोस्तों, विकास का जन्म साल 1977 में बिहार की राजधानी पटना के ही एक शहर दानापुर में हुआ। जब वह 2 साल के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया। अपनी टीनेज में विकास की रुचि और बच्चों की ही तरह वीडियो गेम्स में बढ़ने लगी। विकास वीडियो पार्लर जाते और वहां जाकर घंटों मारियो, कॉन्ट्रा और रोड फाइटर्स जैसे गेम खेला करते। और दोस्तों, यही टाइम था जब विकास ने एक गेम डेवलपर बनने का सोच लिया। विकास ने स्कूल कंप्लीट करने के बाद ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया, पर उन्हें लगा कि इस कोर्स से फ्यूचर में करियर स्कोप कम है, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने का डिसीजन लिया। उन्होंने 2 बार IIT का एंट्रेंस एग्जाम भी दिया, लेकिन उनको सिलेक्शन नहीं मिल पाया और लास्ट में उन्होंने MIT बुलंदशहर में एडमिशन ले लिया। फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग करते हुए विकास गेम्स की CD खरीदते और उन CDs के सॉफ्टवेयर को स्टडी करते। कॉलेज के 3rd ईयर के दौरान जब एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, तभी उन्हें एक गेम बनाने का आइडिया आता है और 3 महीनों में ही विकास एगी बॉय नाम का गेम डेवलप कर देते हैं, जिसे जुलाई 2003 में PC क्वेस्ट मैगजीन ने गेम ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया। साल 2004 में कॉलेज खत्म करने के बाद विकास मुंबई की एक गेमिंग कंपनी इंडिया गेम्स के लिए काम करने लगे। लेकिन फ्रेंड्स, विकास हमेशा से ही अपनी एक गेमिंग कंपनी खोलना चाहते थे, इसलिए 2008 में इंडिया गेम्स से उन्होंने रिजाइन कर दिया और अपनी एक गेमिंग कंपनी गेमशन प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। कंपनी की शुरुआत सिर्फ 7 लोग और 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से की गई। स्टार्टिंग में कंपनी पजल, रेसिंग और एक्शन रिलेटेड गेम्स बनाती थी, जो कि कंप्यूटर पर खेला जा सकता था। कंपनी को असली पहचान तब मिली जब साल 2013 में लगभग 20 मिलियन यूजर्स कंपनी की वेबसाइट को मंथली विजिट करने लगे। लेकिन 2014 आते आते विकास ने पाया कि लोगों के गेम खेलने का तरीका अब अलग हो चुका है और फ्रेंड्स, लोग अब कंप्यूटर या लैपटॉप पर नहीं, मोबाइल पर गेम खेलना ज्यादा पसंद करते थे। विकास ने कंप्यूटर वाले गेम्स का ही मोबाइल वर्जन बनाना शुरू किया, लेकिन उन्हें वह सक्सेस यहाँ नहीं मिल पाई। उन्होंने 10 और नए गेम्स मोबाइल वर्जन पर लॉन्च किए, लेकिन फिर से सफलता हाथ नहीं लग सकी। उन्हीं दिनों विकास ने पॉपुलर हो रहे एक मोबाइल गेम स्नेक एंड लैडर्स को देखा और उनको लूडो बनाने का आइडिया आया। विकास ने अपनी टीम के साथ लूडो के मोबाइल वर्जन बनाने का आइडिया डिस्कस किया, लेकिन टीम को वह आइडिया कुछ पसंद नहीं आया। टीम को लगा कि आज के टाइम में लूडो कौन खेलता होगा, लेकिन विकास किसी तरह अपनी टीम को कन्विंस करने में सफल रहे और दिसंबर 2016 में गेम को लॉन्च किया जाता है और गेम का नाम रखा जाता है लूडो किंग। और कुछ ही महीनों में लूडो किंग गूगल प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला गेम बन जाता है। और फ्रेंड्स, आज लूडो किंग 100 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स के साथ गूगल प्ले स्टोर पर नंबर 1 गेम बना हुआ है। लूडो किंग सिर्फ इंडिया ही नहीं, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका जैसे और भी एशियन कंट्रीज में खेला जा रहा है। इस सक्सेस के बाद भी विकास का कहना है कि हमें गेम्स एंटरटेनमेंट के लिए खेलना चाहिए और गेम्स के एडिक्शन से बचना चाहिए। उम्मीद है आपको विकास की जर्नी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।